बीजेपी ने लोकसभा से चुनाव से ठीक पहले प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। आपको बता दें बीजेपी ने एक सूची चुनाव प्रभारियों की जारी कर दी है। 23 राज्यों के प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विपल देव भी रखेंगे। सांसद सुरेंद्र नागर हरियाणा के सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। श्रीकांत शर्मा हिमाचल के बीजेपी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। संजय टंडन होंगे हिमाचल के सह प्रभारी। दुष्यंत कुमार गौतम होंगे उत्तराखंड के प्रभारी और बैजयंत पांडा होंगे यूपी के बीजेपी प्रभारी। तो पूरी एक सूची है जो सामने आ चुकी है। सूची आप देख सकते हैं, प्रभारी और सह प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। हरियाणा में विपल देव के पास ये जिम्मेदारी रहने वाली है। हालांकि सह प्रभारी की नियुक्ति हरियाणा के लिए कर दी गई है। यहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर का रुख करते हैं। अनिल मोर, अब बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। सूची बाकायदा प्रभारी और सह प्रभारियों की जारी कर दी गई है, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, बीजेपी मिशन 2024 में जुटी हुई है। मिशन 2024 को देखते हुए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्तियां की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राज्यों में ये नियुक्तियां की गई है। हरियाणा की अगर बात करें, क्योंकि हरियाणा के बीजेपी प्रभारी विप्लव कुमार देव है, विप्लव कुमार देव को ही ये जिम्मेदारी दी गई है। विप्लव कुमार देव हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी होंगे। वहीं सह चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सुरेंद्र नागर को दी गई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी श्रीकांत शर्मा जो विधायक है वो हिमाचल के बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी होंगे। वहीं सह प्रभारी की जिम्मेदारी संजय टंडन को दी गई है। बिहार की बात करें, बिहार बीजेपी के जो प्रभारी है विनोद तावड़े को ही ये जिम्मेदारी दी गई है। विनोद तावड़े को बीजेपी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी डॉक्टर महेंद्र सिंह को दी गई है। तो वहीं अगर पंजाब की बात करें, विजय भाई रूपाणी को बीजेपी का लोकसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं यूपी की बात करें, यूपी की जिम्मेदारी बैजयंत पांडा को दी गई है। बैजयंत पांडा को बीजेपी का लोकसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। वहीं उत्तराखंड की जिम्मेदारी दुष्यंत कुमार गौतम को दी गई। यानी बीजेपी मिशन 2024 में जुटी है। 2024 को देखते हुए कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए, इनका काफी अहम रोल रहने वाला है। सीटों का बंटवारा किस तरीके से हो, चुनावी रणनीति किस तरीके से हो, किस तरीके से बीजेपी को चुनाव लड़ना है तमाम राज्यों में, कहना कि जो बीजेपी की तरफ से ये लोकसभा प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए, तो इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। अच्छा, देखिए जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, चाहे आप हरियाणा के लिहाज से बात कर लीजिए, हिमाचल उत्तराखंड के लिहाज से बात कर लीजिए, किस तरह का बदलाव एक तरह से देख पा रहे हैं? क्योंकि जब भी इस तरह की सूची सामने आती है तो बहुत से चेहरे हैं जो बदले जाते हैं, बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो नए भी शामिल किए जाते हैं। हरियाणा के लिहाज से बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन हिमाचल उत्तराखंड इनके लिहाज से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई बदलाव हम नहीं कह सकते, क्योंकि आरती नई नियुक्तियां की गई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से हमेशा ही कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रभारी होते हैं, सह चुनाव प्रभारी होते हैं, वो नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि अब लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, संभावना है कि जल्द ही लोकसभा चुनाव का बिगुल फूक जाएगा, तो इसी को देखते हुए बीजेपी की तरफ से तमाम नियुक्तियां की गई है। तमाम राज्यों के लिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि जो प्रभारी हैं तमाम राज्यों के बीजेपी के, उनके पास तो प्रभारी का दायित्व था ही, अब बीजेपी की तरफ से नए सिरे से लोकसभा चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की गई। हरियाणा का जो आपने जिक्र किया, क्योंकि हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव कुमार देव को ही ये जिम्मेदारी दी गई है। विप्लव कुमार देव ही लोकसभा चुनाव प्रभारी हरियाणा के लिए होंगे बीजेपी के। और सह चुनाव प्रभारी की भी जो जिम्मेदारी है वो सुरेंद्र नागर को दी गई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी श्रीकांत शर्मा को दी गई है, वो लोकसभा चुनाव प्रभारी बीजेपी के होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, हरियाणा में जिम्मेदारी विप्लव देव के पास ही रही है प्रभारी की। हालांकि देखिए, सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है और अब बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। 24 के चुनावों को लेकर अब बीजेपी लोकसभा चुनावों पर पूरी तरह से फोकस कर रखी है। तो वहीं हरियाणा में देखिए होने के विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनावों के बाद, तो ऐसे में अब बीजेपी पूरी तरह से फोकस हरियाणा पर भी कर रखी है।